कर मेरे साथ जुड़ने वाली हैं। स्नेहा से पहले बात कर लेते हैं। स्नेहा शुक्रिया, आप निफ्टी पे क्या आपको लगता है कि सपोर्ट आज का कवर काम करेगा जिसको वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है? नमस्ते डंकी जी, पॉसिबिलिटी ज्यादा है अपसाइड की। यहाँ से आप देखेंगे कि निफ्टी में जो ये करेक्शन आ रहा है, जो वोलेटिलिटी दिखी है, उसमें निफ्टी के फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी कोई मेजर नहीं रहा है। जो लॉन्ग पोजीशन हमने लास्ट दो सीरीज में देखी थी वो पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो आज ऑप्शंस की एक्टिविटी में, उसमें 11,300 के फुट में राइटिंग देख रहे हैं हम। इमीडिएटली 11,250 का सपोर्ट है, अपसाइड में 11,400-420 का एक रेजिस्टेंस है। तो एज वी आर ट्रेडिंग एट दी लोअर साइड ऑफ द रेंज, हम बाय करके ट्रेड करना चाहेंगे। आप जिसपे बाय करें जिसका टारगेट आप 11,400 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस 11,240 का मेंटेन करें। ठीक है, तो स्नेहा आपका आज का शेयर कौन सा है? आप देखेंगे मेटल स्पेस में हमें आज काफी मार्केट सपोर्ट कर रहा है, मेटल स्पेस मार्केट को। उसमें से हमें टाटा स्टील अकाउंट का काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक आप देखेंगे कि एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेटेड कर लिया है हायर लेवल्स पर। 624-626 का एक रेजिस्टेंस था जो उसने आज सरपास किया है। अपसाइड में आप देखेंगे कि 640 के जो कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एडिशन था वहां पे हम अनवाइंडिंग देख रहे हैं, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। हमें लग रहा है कि यहां से एक फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है 660-665 तक के। 640 की कॉल ऑप्शन बाय करके ट्रेड करने की सलाह देंगे। 7.5-8.5 रुपए के आसपास आप बाय करें। टारगेट आप 17 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 2.75 का मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं कि 620 के ब्रेकआउट के बाद आज टाटा स्टील को चलना ही था, पहले भी चला था लेकिन मार्केट की गिरावट के साथ ये भी नीचे आ गया था। आज फिर से इसने ब्रेकआउट किया, 620 के लेवल के ऊपर आया और अभी आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा साइन दिया इसने, आज 15-16 रुपए जोड़े, और अब चाहे तो आप ऑप्शन के जरिए भी सौदे खड़े कर सकते हैं। कैश के खड़े हैं, फ्यूचर्स के खड़े हैं तो ठीक, नहीं है तो एक बार ऑप्शन के जरिए भी एंट्री ले सकते हैं। यहां पर भी 640 का आज का एक कॉल होगी जिसपे आपको लेनी है पोजीशन, और आप चाहें तो इसमें 2.5-3 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 17 रुपए का टारगेट रखें, एक बार पोजीशन आप भी खड़ी कर सकते हैं। तो ये तो होगी टाटा स्टील पे कॉल, और साथ ही इंडेक्स पे रिव्यू स्नेहा शेट का तो बुलिश ही है। वो ये कह रहे हैं कि 11,240 का रखें स्टॉप लॉस, 11,400 तक का टारगेट है। उनकी तरफ से दी गई ये कॉल्स हैं जो आपने नोट भी कर लिए होंगे। स्वाति होतकर है हमारे साथ, उनसे